गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 5 चल रही है। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रो काइनेटिक्स, या फिर यूँ कहते हैं कि जेटा पोटेंशियल। ठीक है, देखो दो लेयर होती हैं, याद रखना है आपने। यानी कि एक तो होती है फिक्स्ड लेयर, क्या है फिक्स्ड लेयर, ठीक है, और एक होती है डिफ्यूज लेयर भाई, क्या है डिफ्यूज लेयर, ठीक है, डिफ्यूज लेयर कैसे कहाँ, तो समझ में आई बात। दो लेयर होती हैं, इन दो लेयर, क्योंकि एक को हम क्या बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, और एक है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। एक को डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, एक को क्या है फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। दो लेयर हैं, तो दो लेयर के बीच में कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस हो उसको क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल, ठीक है, जेटा पोटेंशियल। तो क्या कहोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज, अपोजिटली, ठीक है, चार्ज, तो उसको क्या बोलते हैं जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, क्या बोलते हैं जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। जो दो लेयर हैं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में है, एक साथ जो बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो डबल लेयर होगी, तो द डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज फॉर्म्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, स्पेशली याद रखना है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ठीक है। स्पेशल है, याद रखोगे, दो लेयर हैं, एक डिफ्यूज लेयर और एक फिक्स लेयर, उनके बीच में जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो स्पेशल याद करना पड़ेगा आपने, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल मूव कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या बोला जाएगा, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो अब आपको पता चल गया मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भाई ठीक है। देखो इसमें भी बात तो वही है, लेकिन क्या कहता है, कोलाइडल पार्टिकल के मूवमेंट नहीं होगी, तो किसकी है, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल की, मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो याद रखोगे अपोजिट है थोड़ा सा, इट इज द प्रोसेस, ये भी एक क्या है, प्रोसेस है ठीक है,
इन विच द पार्टिकल या मॉलिक्यूल पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम किसके हैं, याद रखना है कोलाइडल की नहीं, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, और अलाउड टू मूव, ठीक है, मूव कर सकें, किसकी प्रेजेंस में, अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जबकि वेयर एज, याद रखना है आपने, वेयर एज कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट मूव आर नॉट अलाउड, कैस कहा, ठीक है, आर नॉट अलाउड टू मूव नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक कोगुलेशन, भाई कोगुलेशन या फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन बोलते हैं, फ्लोकुलेशन, ठीक है, या फिर एक और है प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, तो आपने पढ़ा है ही, ठीक है, क्या कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है, जिसमें पीपीटी बनते हो, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट बनते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अब बात चली कि प्रेसिपिटेशन बनते कैसे हैं, तो आपने देखा होगा अपनी मम्मी क्या करती है कि लस्सी में से घी निकालने के बाद उसको हिलाती है एक बार, तो क्या है, छोटे छोटे घी के पार्टिकल बच जाते हैं, तो वो हिलाने से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके बड़ा साइज बना लेंगे, और बड़ा साइज बनाने के बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इट मीन्स इसका कोगुलेशन क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर के एक बड़े साइज का, बड़े पार्टिकल का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो याद रखोगे तो क्या लिखोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन, कैस कहाँ, ठीक है, एग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन, कैस कहाँ, एग्रीगेशन टुगेदर, एक साथ एग्रीगेट हो जाएंगे, टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल सो एज टू चेंज इन them into large size particle, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, precipitate, ठीक है, या coagulation, तो उसके बाद अपना छोटा सा टॉपिक है मेथड ऑफ कोगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सॉल्यूशन यानी कोगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सॉल्यूशन, तो ऐसे कोगुलेशन बनाने हैं आपने जो लियोफोबिक की तरह हों, तो ऐसे कौन से मेथड हैं, तो मेथड्स हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने पढ़ा था कि कोलाइडल पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो जब कोलाइडल पार्टिकल अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे मूव करते हुए, तो क्या बना देंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कोगुलेट बना देंगे, ठीक है, तो दूसरा है बाय एडिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होते ही क्या है, कोगुलेशन बनेगा, कोगुलेशन बनते ही क्या है, वो क्या है,
लियोफोबिक सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज वाले होंगे तो भी यही बात है। ठीक है, तो कोगुलेशन बनेगा। तो हार्डी सेकुल्स ला है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।